7 डिग्रीज है इस समय और बहुत ज़्यादा फॉग है, कोई स्पीड नहीं बन पा रही, कोई मोमेंटम नहीं बन पा रहा, मैं नहीं चला सकता 200 पे। हेलो फोक्स, कैसे हो आप लोग। एक और ट्रिप का टाइम हो चुका है और अब दिसंबर है, सो आई एम हेडिंग आउट टू अ टोटली डिफरेंट प्लेस। अभी तक मेरे सारे ट्रिप्स हैव बीन टू माउंटेन एरियाज, इस बार हमारा प्लान है जैसलमेर जाने का। ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, ऐसा नहीं है कि डेजर्ट में ठंड नहीं होने वाली, इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम टेम्परेचर, 8-9 डिग्रीज वहाँ पे भी रात में होने वाला है, बट अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज राजस्थान की रोड्स मक्खन होंगी, एकदम अमेजिंग। आज है 19th December, आई विल बी लीविंग अराउंड 3 AM। टारगेट आज का रहेगा, विल ट्राई टू गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू जैसलमेर। जैसलमेर अबाउट 850 किलोमीटर नोएडा से, सो ऑल द डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, रोड्स अमेजिंग है, बट स्टिल थोड़ा टफ तो होगा क्योंकि फॉग मिलने वाला है रास्ते में। कोई बुकिंग्स नहीं करवाई हुई क्योंकि उसके कारण यू टेन टू रन आफ्टर टारगेट्स और थक जाते हो, तो यू हैव दैट प्रेशर ऑन योर माइंड के पहुँचना ही है, बुकिंग करवाई हुई है इस जगह पे तो पहुँचना ही है। तो इस बार अकेले नहीं जा रहा हूँ, इस बार दो लोग हैं मेरे साथ, एक मेरे साथ मेरा फ्रेंड है सुमित, वो निंजा 1000 चलाएगा, एंड उसके फादर सुशील, उनके पास डुगाटी मल्टी स्ट्राडा 950 है, तो उनका भी फर्स्ट ट्रिप होने वाला है, जैसे मेरा टाइगर पे फर्स्ट ट्रिप होने वाला है, सो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी एंटरटेनिंग। तीनों ऑसम बाइक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स, एक 2 सिलेंडर डुगाटी, एक 3 सिलेंडर ट्रायम्फ टाइगर और एक 4 सिलेंडर निंजा 1000। तो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं बाइक पे। सो गाइस, बहुत बड़ा पंगा हो गया, गोप्रो का ऑडियो अडेप्टर TRS टू TRRS कन्वर्टर लाना भूल गया, उसके कारण कुछ भी अभी तक ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। आपने जो सारा वीडियो देखा, ऑब्वियसली मुझे उसमें वॉइस ओवर करना पड़ा, बट अच्छी बात यह है वी टुक अ ब्रेक एट मानेसर मैकडोनल्ड्स। बहुत ज़्यादा फॉग है इसलिए वी आर नॉट ट्राइंग टू मूव अहेड राइट नाउ, और थोड़ा सा जब दिन निकल आएगा तब ट्राई करेंगे क्योंकि थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। चलो जी, सुबह हो चुकी है, थोड़ा सा उजाला हुआ है, सो फिर से एक बार ट्राई करते हैं चलने का, मे बी कुछ आगे बढ़ पाए हम। अच्छी बात यह है कि अब टेम्परेचर बढ़ेगा ही है। ये ना इस पर स्क्रैच कब लगे, मिट्टी ज़्यादा लगी है। हाँ चलो भाई, चलो 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 चलो। ओ भाई फॉग देखो, एंटी फॉग वाइजर, आई एम मिसिंग यू बैडली यार। देख लो कितना फॉग है यार यहाँ पे आज तो। मज़ा आ रहा है तगड़ा वाला। अब आए सुमित और शील अंकल तो फिर आगे बढ़े, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस गाइज नाउ। 7 डिग्रीज है इस समय और बहुत ज़्यादा फॉग है, कोई स्पीड नहीं बन पा रही, कोई मोमेंटम नहीं बन पा रहा, बहुत चैलेंजिंग हो चुका है अभी इस समय राइड करना है। 70-72 पे बाइक चल रही है इस समय, थोड़ा सा बेटर हुआ है विजिबिलिटी का सीन, बीच में हल्की हल्की सी धूप ऐसे लगता है आने की कोशिश कर रही है, बट बहुत ज़्यादा रिस्की है यार इस समय बाइक चलाना, नॉट द वेदर टू राइड अ मोटरसाइकिल डेफिनेटली। सो द टाइम इज 9:36 एंड वी हैव रीच्ड द फूड स्ट्रीट, आई थिंक जस्ट एट बहरोर, सो फाइनली कुछ रेस्ट मिलेगा थोड़ा सा, काफ़ी सारी चीज़ें खाने को है, फील सो गुड कमिंग इन साइड फ्रॉम द कोल्ड। सो 10:30 बज चुके हैं, थोड़ा बहुत खा लिया हमने फूड कोर्ट से, यहाँ से अब चलते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर करना ही है यार, अब कम से कम वी नीड टू ट्रैवल अबाउट 150 किलोमीटर्स बिफोर वी टेक अ ब्रेक और थोड़ी देर। वाह 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 वाह, क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है जब सब कुछ दिखता है तो क्या फीलिंग आती है।
अब ये ले लो हाईवे के मजे, आराम से 90 पे बैठे हुए हैं, क्रूज कर रहे हैं, इजी राइडिंग, लेफ्ट में सरसों के खेत। सबसे बढ़िया बात जो टाइगर की है ना, वो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है, 4.2 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स, दैट मींस इट इज गिविंग मी ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर्स पर लीटर राइट नाउ एट अ स्पीड ऑफ 116 किलोमीटर्स पर आवर। अभी बस थोड़ा सा ब्रेक लिया था, मेरे को एक रेडबुल लेनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी रात को। आई जस्ट स्लेप्ट फॉर अबाउट 1-1.5 आवर, तो धूप चढ़ते ही विजिबिलिटी तो इम्प्रूव हो गई बट नींद बहुत ज़्यादा आने लग गई, तो रेडबुल पी के होपफुली बेटर लगेगा। बाय। आई हैव नॉट एक्चुअली एक्सप्लोर्ड द कंप्लीट पावर बैंड ऑफ दिस मशीन। The maximum I go is up to 7000 RPM and that, I tell you, is some serious speed. So 6000 is 138 kmph. So I think I have not gone beyond 6.5. Right now I am just trying to keep myself a little restrained because of the luggage, but this machine is quite entertaining. The Red Bull has definitely worked. Thanks to Sumit, that idea is great. Right now, I am riding full power. Just enjoying these roads, having fun. So, ये वाले mountains थोड़े से different हैं जो mountains आप normally मेरे videos में देखते हो. Those are the Himalayas and these are the Aravallis, right? So, ये वाला experience भी करना बनता ही था. So 2019 December goes to this side of the country. Roads are amazing, I must say. Sports bike and sports tourers will have a great time here. And of course, I can manage to have a great time anywhere, you know, with this sort of a machine. Alag hi maza hai adventure tourer chalane ka. Super comfortable. खोल दिया भाई ने। ओ हो क्या? मैं नहीं चला सकता 200 पे। ऑसम रोड है यार, ऑसम। कंसिस्टेंटली आराम से 120 चल रही है इस रोड पे, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। 140, 150, राजस्थान यू ब्यूटी, ब्यूटीफुल रोड्स। क्रूज कंट्रोल लगता है इन्हीं रोड्स के लिए बना गया। ब्यूटीफुल यार, एक ड्रोन शॉट यहां से यार। उदयपुर सिर्फ 445 रह गया। तो 98 किलोमीटर है नागौर और वो तो मिनिमम करना ही है और वहीं रुकना है आज। जैसलमेर जाने का प्लान तो ठप ही हो गया बिकॉज ऑफ द फॉग।
भाई मैं तो 75 की स्पीड पे हूँ इस समय, मेरे से तेज नहीं चलाया जा रहा। कादर खान हो गया हूँ मैं। ओह फक, अरे गाय दिखी नहीं मुझे। हाँ तो इम्पॉसिबल सा है चलाना बिल्कुल ही, बीच में कोई कुछ है ही नहीं डिवीजन, और सब हाई बीम पे चला रहे हैं, मैं लो बीम पे चला रहा हूँ फिलहाल। पता वाह भाई, इसकी इंडोर पार्किंग लेफ्ट में तो नहीं है। आ गया कहाँ पार्क कराओगे बाइक पहले ये बताओ, उसके बाद कमरा देखेंगे। अच्छा ये आपका ही कंपाउंड है, ठीक है आप बताओ रूम कहाँ है। बाथरूम उधर है, ठीक है ठीक है। उससे बढ़िया पार्किंग नहीं मिल सकती थी। आ जाओ भाई आ जाओ, फाइनली हो गई पार्किंग, दिन ख़त्म हो रहा है अब थैंक गॉड। जिसमें कुछ ज़्यादा किलोमीटर्स हुए नहीं बट स्ट्रगल बहुत तगड़ी थी।